अजमेर बाल वाहिनी यूनियन की ओर से आज पुरानी चौपाटी पर बैठक आयोजित करते हुए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बाल वाहिनी के चालकों का कहना है कि परिवहन विभाग उन्हें जबरन परेशान कर रहा है और अभियान चलाकर गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही। साथ ही बाल वाहिनी चालकों की रसीद 7200 के बजाय 21700 की काटी जा रही है, जिस कारण सभी बाल वाहिनी चालकों में रोष व्याप्त है। आज बैठक आयोजित करते हुए परिवहन विभाग से सवाल किए जा रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के बाद इस राशि को बढ़ाया क्यों गया। इसे लेकर पहले भी शिकायत की गई और परिवहन विभाग ने आश्वस्त किया था जल्द ही इस पर उच्च अधिकारियों से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और उसके बावजूद अभियान चलाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है और बच्चों की मौजूदगी में बाल वाहिनी चालकों को परेशान करते हुए रसीदें काटी जा रही हैं, जबकि वो खुद ही रसीद कटाने को तैयार हैं, लेकिन इस राशि को 7200 ही किया जाए। ऐसा न होने पर सभी चालक अपना गुस्सा दर्ज करा रहे हैं। स्कूल वैन यूनियन वालों की आज मीटिंग है, क्योंकि जो अभी एक दो दिन में आरटीओ ने अपनी धड़ पकड़ शुरू करी है। चोर पुलिस का खेल ऐसे खेला जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा गुनहगार रोडों से निकल रहे हैं, इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं। हमें हर साल हम लोग रसीद आगे होके भी कटाते हैं और आरटीओ भी हमारे को पकड़ के काटती है, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। पर उस वक्त कट रही थी 7200 की, पर कोविड के बाद से जब से हम आए हैं तो हमारी रसीदें कट रही 21700 की। ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम समझना मांग रहे हैं। हम भविष्य में भी आरटीओ साहब से मिले हैं, डीटीओ साहब से मिले हैं, उनने हमें आश्वासन दिया था कि हम ऊपर बात करके हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके जो भी राहत आपको दिला सकते हैं वो हम दिलाएंगे, पर हमारा को कोई जवाब नहीं मिला, ना कोई हमें राहत मिली है और वही रसीद कट रही है, वही पकड़ धड़क हो रही है। हम इनसे यही चाहते हैं कि एक तो ये डिफरेंस जो आ रहा है इसको कम करें, वापस से जो पुराना था उसी हिसाब से हमारे रसीदें कटें, और जो ये भाग भाग के हमारे को पकड़ रहे हैं स्कूल जाते समय, बच्चे जब हमारे साथ होते हैं स्कूल का टाइम हो रहा होता है उस वक्त जब हमें रोक लेते हैं 15-15, 20-20 मिनट, वो एक तो ख़त्म किया जाए। यदि इन्हें करना है तो हमारे को बोल दें, हम तो खुद आगे होके कटवाते हैं, पहले भी भविष्य में कटवाइए, इनने हमारा सहयोग करा, हम लोग इनका पूरा भरपूर सहयोग करते हैं, तो हम वही सहयोग इनसे चाह रहे हैं। मून मैसी, वैन यूनियन अध्यक्ष।